कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन उपायुक्त हमीरपुर दीपशिता बनिक ने हमीरपुर बाजार का दौरा किया और दुकानों सहित रेस्टोरेंट में जाकर कोविड प्रोटोकॉल की पालना का जायजा लिया। इस मौके पर एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा, ईओ किशोरी लाल भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने पूरे बाजार का भ्रमण करके खुली दुकानों में जाकर भी दुकानदारों को कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों की पालना करने के लिए सख्त हिदायतें भी दी। साथ ही उपायुक्त ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में निर्माणाधीन कोविड केयर वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उपायुक्त ने पत्रकारों को कोविड वॉरियर के तौर पर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन लगाने के निर्णय पर बधाई भी दी। उपायुक्त हमीरपुर दीपशिता बनिक ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की पालना के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और टीमें जगह जगह पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दुकानों की आड़ में अन्य वस्तुओं को बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सरकार द्वारा कोविड की चेन को तोड़ने के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जिसका सभी पालन करें और प्रशासन को सहयोग करें। खुद भी देखा दुकानदारों का जो है, हमने जब दौरा किया तो दुकानों में गए कि हम बार बार लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं वो है आउटर लिमिट, जो कि 6 बजे के बाद किसी भी सूरत में दुकान खोले ना मिले। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कोई ज़बरदस्ती है किसी के ऊपर कि 6 बजे तक दुकान खोलना ही है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर लोगों को इस चीज़ के कारण जो है थोड़ी जो है कन्फ्यूजन महसूस हो रही है, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अगर आप दुकान नहीं खोलते हैं या जल्दी बंद कर देते हैं, जो हम आपके इस फैसले का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम चाहेंगे कि जिनको ज़रूरत नहीं लगती वो अननेसेसरीली, चाहे आप एसेंशियल गुड्स के कैटेगरी में भी पड़ते हैं, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जो ऑर्डर्स किए हैं वो है मैक्सिमम टाइम लिमिट फिक्स किया है, क्योंकि हमेशा प्रशासन या सरकार की तरफ से मैक्सिमम टाइम लिमिट ही फिक्स किया जाता है। इसका मतलब 6 बजे के बाद बिल्कुल दुकानें खुली नहीं मिलनी चाहिए। बेशक अगर आप स्वेच्छा से 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक दुकान बंद कर देते हैं, तो हम ऐसे जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि जो इस चीज़ को कर सकता है भीड़ भाड़ कम करने के लिए और भी अपने तरफ से और एडिशनल ऐसे कोई स्टेप्स उठाना चाहता है तो वो बिल्कुल करे। और कृपया जो है आप इसी तरह से अपने और भी इस तरह के अगर आइडियाज हैं तो उनको कृपया पालन करें। खुद ही जो है और ज्यादा अंकुश अपने ऊपर लगा सकते हैं तो लगाएं। तरह की शिकायत मिलती है, हमारी टीम्स निरंतर जो है वो स्पॉट पे घूम रही है, हर जगह पेट्रोलिंग कर रही है। ऐसा कहीं से भी शिकायत आती है या आकस्मिक जो है इंस्पेक्शन पे अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है, रूल्स को वायलेट करने की कोशिश किया करता हुआ पाया जाता है, तो बहुत साफ गाइडलाइंस हैं उसमें फाइन का और डीएम एक्ट में एफआईआर का, और उसको सजा का भी प्रावधान जो है वो बहुत कड़क है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन या ज़्यादा अननेसेसरी जो इसमें इधर उधर की चीज़ें कोशिश ना करें। आपके भलाई के लिए हम नहीं चाहते कि कोई अननेसेसरी हरासमेंट फेस करे, इसीलिए खुद के ही नियम बहुत साफ हैं। आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे, हमारी वेबसाइट पे जो है ये गाइडलाइंस डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या अलाउड है और क्या नहीं। और मैं समझती हूँ कि हमीरपुर के लोग इतने समझदार हैं और इतने सेंसिटिव हैं कि अपनी भलाई जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, और पहले भी आप सबने हमारा बहुत साथ निभाया है लॉकडाउन और कर्फ्यूज और रिस्ट्रिक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और आशा करती हूँ कि अभी भी आप लोग खुद से ही सारे नियमों का पालन करेंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंची उपायुक्त दीपशिता बनिक ने बताया कि अस्पताल में 32 मरीजों के लिए स्पेशल कोविड केयर वार्ड का काम लगभग पूरा हो चुका है और पिछले 2 दिनों से अंतिम टेस्टिंग की जा रही है ताकि कोई भी कमी बाकी न रहे। उन्होंने बताया कि वार्ड में आईसीयू मेल फीमेल वार्ड के साथ स्पेशल ओटी भी बनाई गई है, जिसमें कोविड से ग्रस्त मरीज को अगर ऑपरेशन करना हो तो दिक्कत न आए। हमारे 32 बेड्स के लगभग जो है उसकी पूरी डेडिकेटेड कोविड वार्ड हमारे मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट, जहां पे आप लोगों को पूरी तरह से जो है निगरानी में रखेंगे। जो ज़्यादा सीरियस मरीज़ हैं उनके लिए पूरा आज हम खड़े हैं जहां पे, वो आईसीयू बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा एक अपना डेडिकेटेड ऑक्सीजन प्लांट है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, वो फंक्शनल है और उसकी जो है पूरी टेस्टिंग चल रही है इस समय पे जब हम बात कर रहे हैं। और साथ ही उसके साथ बैकअप के लिए मैनिफोल्ड की सप्लाई है, जहाँ पे अलग से ऑक्सीजन का रिजर्व रखा गया है कि किसी कारण से प्लांट ट्रिप होता है तो भी जो है सप्लाई में बाधा नहीं आएगी। तो ये सारी ऐसी परिस्थितियों के बावजूद जो है, जो सबसे हमारा बड़ा प्रायोरिटी था ये पीएसए प्लांट और वार्ड को ऑपरेशनलाइज करना, वो कार्य जो है वो पूरा हो गया है।
कि सभी जो है हमारी ओटी तक जो है अंदर रहेगी, ताकि कोई भी ऐसा सीरियस पेशेंट हो जो कोविड का मरीज हो और साथ साथ में उसको कोई सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी उसको इधर उधर कहीं और जाना ना पड़े और यहीं पे जो है उसका ऑपरेशन या इस तरह की सर्जिकल प्रोसीजर भी हो जाए। आज तो सिर्फ कमीशनिंग ही हो रही है, जो एक टेक्निकल प्रोसीजर है जो करना ही पड़ता है, कि आप कुछ समय के लिए ऑक्सीजन जो है उसमें डालते हैं और वो चेक करते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं मरीजों की सेफ्टी के लिए। सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी किए जा रहे हैं, पिछले दो दिनों से जो है सारी जो है टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है, तो हम जो है हम बन ही चुका है, इसलिए अब वो कहना सही नहीं है कि अभी हम काम कब शुरू होगा या कब ख़त्म होगा। तो इसीलिए मैं सभी को जो है धन्यवाद करना चाहूँगी कि सबने बहुत साथ में मिलके जो है ये काम को अंजाम दिया है, बहुत सारी एडवर्स सर्कमस्टेंसेज में भी जो काम पूरा हो गया है। और मरीजों को जो जहाँ तक सुविधा की बात है, तो काफ़ी हद तक जो क्योंकि प्लांट अपना खुद का ऑक्सीजन जो है वो हवा से खींच के जो है ऑक्सीजन को तैयार करता है, और पाइप्ड ऑक्सीजन जो है हर बेड को उपलब्ध होगी, तो इससे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेशेंट्स को ये सुविधा रहेगी कि वो लगातार अपने डॉक्टर्स के जो सलाह पे जितनी ऑक्सीजन दी जाएगी वो सुचारू रूप से उनको मिलती रहेगी, और आईसीयू के बेड्स भी जो हैं उनको भी लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं हमीरपुर में पत्रकारों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने के मुद्दे पर कहा कि जल्द ही एक कैंप लगाकर पत्रकारों को कोविड वैक्सीनेशन करवाई जाएगी और इसके लिए डीपीआरओ की अगुवाई में सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। आप लोगों की जो है रिक्वेस्ट थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ पे आए थे, उनसे भी आप लोगों ने ये मांग रखी थी और हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सबकी और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये अलाउ किया है, और हम जल्द ही जो है एक डेडिकेटेड कैंप सिर्फ आप लोगों के लिए जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और पत्रकार हैं उनके लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि आपकी सुविधा के लिए एक ही जगह पे जो है वो जो जो इच्छुक हैं उनका वैक्सीनेशन हो जाए। इसकी जो है थोड़ी प्रक्रिया होती है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उनके जो है उनके आइडेंटिटी कार्ड्स या उनकी जो है एम्प्लॉयर्स के तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एक ज़रूरी प्रक्रिया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपने जो हमारे पत्रकार या मीडिया के साथी हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयर्स से भी वो कागज़ जो है प्रोक्योर करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। हम बहुत ही जल्द हमारे तरफ से तो कुछ एक दिनों में ही हम कोशिश करेंगे कि ये कैंप जो है वो लग जाए। ये जो प्रक्रिया है जो आइडेंटिटी कार्ड्स की या ऑथराइजेशन की, ये ज़रूरी होगी, तो इसके लिए हमारे जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के टीम हैं डीपीआरओ एपीआरओ हैं ये लगे हुए हैं आज सुबह से ही, और हम जल्द ही कैंप ऑर्गेनाइज करके आप सबको इसकी जो है सूचना दे देंगे।